हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को लेकर, जहां इंडिया द्वारा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को लेकर रशिया को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जल्द से जल्द लिक्विड फ्यूल स्क्रैमजेट मोटर के साथ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए NOD दे। इसके पहले फरवरी के महीने में ही ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ये अनाउंस कर दिया जा चुका है कि अगर भारत को ब्रह्मोस के बेसिस पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए तो ब्रह्मोस एरोस्पेस इसे 8 ईयर के अंदर बनाकर भारतीय सेना को डिलीवर कर सकता है। लेकिन क्या भारत को ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि DRDO ऑलरेडी HSTDV के 2 सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर चुकी है और HSTDV के बेसिस पर प्रोजेक्ट विष्णु को भी इनिशिएट कर दिया गया है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस भी होगी। वहीं अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ब्रह्मोस भारत और रशिया की सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रही है, जिनमें टेक्नोलॉजी रशिया की है और प्रोडक्शन भारत में हो रही है और प्रॉफिट शेयर भी भारत का 49.99% है, वहीं रशिया का 50.01% है। और ये इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी रशिया की है, इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी पर होल्ड भी रशिया का है, क्योंकि ये रशियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसके अंदर इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है और भारत में ब्रह्मोस में इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा लगभग 70% तक की है। लेकिन भारत ब्रह्मोस 2 के केस में ऐसा नहीं चाहता है। यहाँ पर भारत चाहता है कि इसे ज्वाइंटली डेवलप किया जाए, मतलब जो इनिशियली ये बोला जा रहा था कि रशिया के जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को बनाया जाएगा, तो यहाँ पर भारत को ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर मिलता, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। और इसीलिए भारत चाहता है कि इसे ज्वाइंटली डेवलप किया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल भारत का हो। वहीं इसका जो फ्यूल है या फिर इसका जो सेकेंड स्टेज है, जो कि एक लिक्विड फ्यूल स्क्रैमजेट मोटर है, इसके ऊपर रशिया के साथ कोलैबोरेट किया जाए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत ने मिसाइल्स के क्षेत्र में काफ़ी टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। और जब सभी टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो ज्वाइंट वेंचर एक बेहतर अप्रोच है, बजाय इसके कि हम रशिया से ये टेक्नोलॉजी लें। ब्रह्मोस 2 के साथ साथ रशिया द्वारा ब्रह्मोस NG को भी बनाने को लेकर बहुत जल्द NOD दे दिया जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी इंडिया पहले से ही कर रहा है और इसकी प्रोडक्शन लाइन भी इंडिया में बनकर तैयार है। और इस मिसाइल की अब मैन्युफैक्चरिंग होकर टेस्टिंग होनी बाकी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इस ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। अगले साल यानी कि 2024 में इसकी टेस्टिंग की जाएगी और 2025 में इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। भारत ब्रह्मोस NG को लेकर एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस करने की तैयारी पहले से ही कर रही है, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये मिसाइल सिस्टम भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। साथ ही जहां पहले एक Su-30MKI के ऊपर एक ब्रह्मोस कैरी किया जा सकता था, वहीं ब्रह्मोस NG के 3 मिसाइल को एक बार में कैरी किया जा सकता है। बाकी ब्रह्मोस क्या कर सकता है तो इसके बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सब ऑलरेडी जानते हैं। इसीलिए जितने भी कंट्री रशियन फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, वो इस सिस्टम को लेकर पहले ही अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। इसकी स्पीड तो सेम ही होने वाली है, वहीं इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक होगी, जबकि ये मिसाइल अभी मौजूदा ब्रह्मोस से लगभग आधे वजन का होगा और इसीलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन भी बोला जा रहा है। वहीं ब्रह्मोस हाइपरसोनिक की बात करें तो इसकी स्पीड अभी मौजूदा ब्रह्मोस से दोगुनी होगी, यानी कि 7-9 Mach के बीच में होगी। वहीं इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर की होगी, जो कि इसे सुपर डेडली बनाएगी। और फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहां ब्रह्मोस को रोकना इतना मुश्किल है, वहां ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्या कर सकता है। लेकिन क्योंकि भारत अपना खुद का भी एक अलग हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है, ऐसे में ये देखना होगा कि आर्म्ड फोर्सेस की नीड क्या है। साथ में कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक का कॉस्ट अभी मौजूद ब्रह्मोस से दोगुनी हो जाएगी। हालांकि अगर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक के ऊपर भारत अकेले वर्क करता है और रशिया से बस कुछ पार्ट को डेवलप करने को लेकर कोलैबोरेट की जाती है, तो ये ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देगा। साथ में 2030 तक भारत को एक साथ 2-2 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हाइपरसोनिक डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल, ब्रह्मोस NG और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सब कुछ मिल जाएगा, और फिर हम अपने एनिमी के ऊपर एक हेज भी हासिल कर पाएंगे। तो इस सब को लेकर आप सबके क्या कमेंट्स हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।